Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. आज हम लोग एग बॉयल करने का तरीका सीखने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परफेक्ट एग जो है वो बॉयल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन में तकरीबन 2 गिलास पानी लिया और इसमें 2 अंडे जो है वो रख दिए। 1 चम्मच नमक इसमें डाल दिया और इन तमाम चीजों को चूल्हे पर बॉयल होने के लिए रख दिया। थोड़ी ही देर बाद पानी जो है वो खोलना स्टार्ट हो गया और इसकी पहचान ये है कि इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए। तकरीबन 5 मिनट जब ये बॉइलिंग प्रोसेस हो जाएगा तो पानी एंड पर तेजी से उबलना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन कि आपके अंडे जो हैं वो इस टाइम पक चुके हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकाल लिया और एक बाउल में 2 बर्फ की क्यूब्स रख के, आइस क्यूब्स रख के अंडों को इसमें डाल दिया और साथ ही कुछ पानी जो है वो इसमें डाल दिया और अंडों को इंस्टेंट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाए तो इसको फौरन से आप लोगों ने ठंडे पानी में डाल दिया, ठीक है। अब इसको कटर की मदद से छीलने के बाद स्लाइसेस में कट कर लिया और प्लेट में प्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से दूसरे अंडे को भी कटर के अंदर काट लिया और इसे भी प्लेट के अंदर प्रेजेंट कर दिया। जर्दी का कलर देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि अंडे जो हैं वो टोटली अच्छे तरीके से 100% बॉयल हो चुके हैं, ठीक है। और ये था सबसे आसान तरीका एग को बॉयल करने का। अक्सर लोग एग को बॉयल करते हैं लेकिन एग ठीक से बॉयल नहीं होता समटाइम, या उसका जो छिलका है वो उतारते हुए अंडा जो है वो डैमेज हो जाता है। जो मैंने आपको ये तरीका बताया इससे तो ना आपका अंडा डैमेज होगा और एग भी परफेक्ट तरीके से बॉयल होगा। इसके बाद फ्रेश काली मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी और थोड़ा सा सॉल्ट हसबे जायका इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी। ले जी, आपका एग जो है वो तैयार है। इसकी मैरिनेशन के लिए कुछ कटी हुई हरी मिर्चें जो है वो ऊपर डाल दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।